78 साल के एक मरीज थे जो काफी समय से किडनी की समस्या से लेकर परेशान थे और उस मरीज का जीवन बचाने के लिए नया कारनामा किया है कृष्णा हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर हल्द्वानी के डॉक्टर्स ने। सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट यानी हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रमनदीप सिंह आहूजा और नेफ्रोलॉजिस्ट यानी किडनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रोहित गोयल की देखरेख में उस मरीज का कई दिनों तक इलाज चला। आर्टेरियोवेनस फिस्टुला जो कि डायलिसिस के लिए बहुत जरूरी होता है, पेशेंट की लाइफलाइन होती है। इससे पहले जब भी आर्टेरियोवेनस फिस्टुला बंद होता है, पेशेंट के पास नया बनवाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। लेकिन आप एक हाथ में दो या तीन से ज़्यादा फिस्टुला नहीं बनवा सकते, और जब ये नहीं बनते तो उसके बाद पेशेंट की या तो डायलिसिस ढंग से नहीं हो पाती या फिर जो उसके लिए और टेक्निक कैथेटर्स यूज़ करे जाते हैं वो बहुत सक्सेसफुल नहीं होते, इन्फेक्शन का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। तो पेशेंट के लिए सेम फिस्टुला को दोबारा यूज़ कर पाना, उसी फिस्टुला को खोल देना, उसके लिए एक नए जीवन के रूप में होता है। डेफिनेटली प्रोसीजर रिस्की था, चैलेंजिंग था, लेकिन हमारी टीम ने, हमारे कार्डियोलॉजिस्ट ने सक्सेसफुल करा और पेशेंट्स के लिए एक नया रास्ता खोल दिया है, जिससे वो नए नए फिस्टुला बनवाने की बजाय सेम फिस्टुला को बार बार ओपन करा के डायलिसिस के लिए लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं। लिहाजा मरीज काफ़ी समय से डायलिसिस पर थे। हफ्ते में दो बार मरीज की डायलिसिस होती थी, लेकिन फिस्टुला में खून का थक्का जमने से डायलिसिस नहीं हो पा रही थी। इसीलिए दोनों डॉक्टरों ने मरीज की स्थिति के बारे में आपस में विचार विमर्श किया और इस निर्णय तक पहुंचे कि मरीज की फिस्टुलोप्लास्टी कर फिस्टुला को खोला जाए। दरअसल यह बड़ा जटिल काम होता है, क्योंकि मरीज के हार्ट को ऑपरेट करने के बजाय इस प्रक्रिया में हैंड यानी हाथ को चलाया जाता है। इनका जो डायलिसिस वाला फिस्टुला है जो हाथ में बनाया जाता है सर्जिकली, वो बंद हो गया था। नॉर्मली क्या रहता है, इसके लिए हम लोग खून पतला करने की दवाई देते हैं या फिर नया फिस्टुला बनवाते हैं। खून पतला करने की दवाई हमने दी थी उनको, 3 दिन तक उसने काम नहीं किया दवाई ने, तो हमने उनका नया फिस्टुला बनाने से बचने के लिए उनके फिस्टुला के अंदर तार डाल के बलूनिंग कर दिया, जिससे फिस्टुला उनके हाथ का दोबारा चलना शुरू हो गया। वो प्रोसीजर फुल सक्सेसफुल होने के बाद उसी के थ्रू आप वो डायलिसिस दोबारा करा पाएंगे, और मान लीजिए अगर फिस्टुला दोबारा बंद होता है तो इसको दोबारा खोला जा सकेगा। हालांकि हम लोग इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केसेस करते हैं हार्ट के, पर इसमें ये चैलेंज था कि प्रोसीजर बिल्कुल नया था। उसमें आप पेशेंट के हार्ट को ऑपरेट करने की जगह पेशेंट के हैंड को ऑपरेट कर रहे थे, तो उसमें जो हार्डवेयर यूज़ होता है वो अलग टाइप का होता है, जो बलून्स होते हैं वो ज़्यादा बड़े होते हैं, हार्डवेयर ज़्यादा बल्कि होता है, इसलिए उसको भेजना भी शरीर के अंदर ज़्यादा मुश्किल रहता है। पर प्रोसीजर सक्सेसफुल हो गया था, टाइम ज़्यादा लगा उसमें, 2.5 घंटे का टाइम लग गया, पर प्रोसीजर सेफली हो गया था वो। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान इलाज में कितना खर्चा आएगा, क्योंकि मरीज के मन में इस तरह के सवाल चलते हैं कि इलाज तो वह करा रहे हैं लेकिन ट्रीटमेंट की कॉस्ट कितनी पहुँच जाएगी। तो चलिए जानते हैं डॉक्टर रमनदीप से। एक्सपेंसिव प्रोसीजर है, पर मतलब इतना इन्वेसिव नहीं है जितनी सर्जरी होती है, तो कॉस्ट इसकी आपकी एनीथिंग बिटवीन 1 लाख to 2 लाख तक इजीली जा सकती है। इस चीज़ पे बहुत डिपेंड करता है कि पेशेंट के लिए आपको हार्डवेयर क्या क्या यूज़ करना पड़ रहा है। अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड एनाटमी है, कम हार्डवेयर यूज़ होता है, उसमें कम बलून यूज़ होते हैं, तो प्रोसीजर आपका विदिन 1 लाख ईजिली हो सकता है। अगर लगता है कि प्रोसीजर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो कई बार इसकी कॉस्ट 2 लाख से आसपास तक भी जा सकती है। ये फिस्टुला क्रिएशन की सर्जरी से ज़्यादा एक्सपेंसिव है, पर इतना इन्वेसिव नहीं है जितना फिस्टुला क्रिएशन सर्जरी है। कृष्णा हॉस्पिटल के डॉक्टर्स द्वारा किए गए सफल इलाज के बाद कुमाऊं और उत्तराखंड में किडनी रोगों से संबंधित मरीजों को अब डायलिसिस करवाने में काफी राहत मिलेगी। दोस्तों, अगर किडनी की समस्या को लेकर आपका भी कोई सवाल डॉक्टर्स से हो तो हमें कमेंट्स कर आप पूछ सकते हैं।